ये ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम है, यहाँ टाइमर लगा हुआ है जिससे कि मैंने टाइम सेट किया है सुबह 7 बजे से 7:05 तक ये टाइमर ऑन हो जाता है और रात में 9 बजे से 9:05 तक। 5 मिनट काफ़ी है पूरे बालकोनी में वाटरिंग के लिए, इरिगेशन के लिए। तो जैसे ही टाइम होता है 7 बजे तो ये टाइमर ऑन हो जाता है और पावर सप्लाई शुरू करने लगता है। जैसे पावर सप्लाई आपका शुरू होता है यहाँ से, और पावर सप्लाई जैसे ही सो यहाँ लगा हुआ है सोलेनोइड स्विच। सोलेनोइड स्विच आपको वॉशिंग मशीन में आपको मिलेगा, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में, आरओ में मिलता है। और जैसे इसमें लाइन आया, करंट आया, वाटर सप्लाई शुरू हो जाता है। पानी का सप्लाई देख रहे हैं, ये केंद्र का पाइपलाइन है जिसका मैंने जुगाड़ किया है। और ये रहा, देख रहे होंगे यहाँ वाटरिंग शुरू है। और ये रहा सलाइन सिस्टम का सेट है, ये सलाइन सिस्टम का मैंने खरीदा है। मेरे फ्लैट में टोटल 3 बालकोनी है और 26 गमला है। ये रहा मेरा पहला बालकोनी का फोटो है, वीडियो है। मैं दूसरा बालकोनी में ले जा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ भी देख रहे हैं कि पानी बढ़ रहा है। और ये सलाइन सिस्टम मैंने लगाया है फ्लो कंट्रोल के लिए, जहाँ जितना ज़रूरत है मैं उतना सेट कर देता हूँ। 3 बालकोनी है और तीनों बालकोनी में टोटल 26 गमला है और सारा पानी वाटर सप्लाई वहीं से आ रहा है, उसी टाइमर से। अब मैं लिए चल रहा हूँ, देख रहे हैं कितना हरा भरा है मेरा बालकोनी। देख रहे हैं मिर्ची, कितना अच्छा मिर्ची हुआ है। इन्हें मिर्ची हमको ख़रीदना नहीं पड़ता है, कभी कभी बेचना भी पड़ता है, बेचते तो नहीं है लेकिन ख़रीदना नहीं पड़ता है। अब मैं अपने तीसरा बालकोनी में आपको लिए चल रहा हूँ। यहाँ भी वहीं से पानी आ रहा है। देख रहे हैं इरिगेशन शुरू है। ये रहा कड़ी पत्ता का पेड़ है और ये तरबूज का पेड़ है। तरबूज देख रहे हैं, एक लग भी गया है, छोटा सा हुआ भी है अभी, ना फूल बहुत सारा हुआ है। और इस ढंग से मेरा समय बचाता है, कभी मैं घर में ना भी रहूं तो भी मेरा फ्लावर सूखता नहीं है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।